हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिजीत और आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूं फाइनेंस जानकारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना क्या होता है, अब इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा और दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और आप कैसे इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो सारी चीजें बात करेंगे आज डिटेल में। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब करके रखें फाइनेंस बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। इसके तहत दोस्तों, अगर आपके घर में कोई की बेटी है तो आप इसके लिए एक सेविंग्स कर सकते हैं और दोस्तों इसका एक मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलता है। ये एक तरह से दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसके तहत दोस्तों आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए इसके बारे में आप डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों, इस स्कीम के अंदर आप अपना बेटी के अगर 10 साल से नीचे एज है तो आप इस स्कीम के अंदर अपना बेटी का अकाउंट ओपन करा सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको हर ईयरली 6-7% का इंटरेस्ट मिलेगा। वो दोस्तों कंपाउंडिंग होकर दोस्तों 21 ईयर्स, यानी आपकी बेटी की जब एज होगा 21 ईयर्स, अकाउंट खुलवाने से लेके और जो 21 इयर्स में मैच्योरिटी होगा उस टाइम पे दोस्तों आपको मैच्योरिटी अमाउंट के साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है वो पे किया जाएगा। ये दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये स्कीम उनके लिए है जिसका बेटी का एज 10 साल से कम है। अगर आपका बेटी का एज 10 साल से ज्यादा है तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हो। अगर आपका बेटी का एज 10 साल से कम है तो आप इस स्कीम के अंदर आपका बेटी के लिए भी आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो और दोस्तों आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे तहत दोस्तों जब आपका बेटी बड़ा हो जाएगा उस टाइम पे दोस्तों आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये मेच्योरिटी के तौर पे आएगा और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेगा इंटरेस्ट रेट के साथ। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां मैं आपको शो करता हूं दोस्तों डिटेल्स में और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम होता क्या है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना एक डिपॉजिट स्कीम है जो गर्ल्स चाइल्ड के लिए लॉन्च किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के दौरान। इसमें दोस्तों आपको 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इनकम टैक्स बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन 80C के दौरान। दोस्तों, एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट, अगर आपका गर्ल की एज 10 साल से कम है तो आप एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप अपना बेटी के लिए ओपन करा सकते हैं। इसमें दोस्तों जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 250 से लेके 1000 रुपये के बीच में होते हैं और जो मैक्सिमम अमाउंट वो 1.5 लाख आप एक साल के अंदर डिपॉजिट करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम का एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि अकाउंट सिर्फ उसके पेरेंट्स और लीगल गार्जियन ही ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और बंदा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा चीज दोस्तों, जब आप ये अकाउंट ओपन कराओगे उस टाइम पे दोस्तों आपका जो गर्ल्स है उसका एज 10 साल से कम होना चाहिए। अगर आपका गर्ल का एज 10 साल से ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है ये आप ओपन नहीं करा सकते। दोस्तों, और भी एक चीज़ इसमें मैंडेटरी है दोस्तों, आप एक सिंगल गर्ल्स चाइल्ड के लिए एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं ओपन करा सकते, मल्टीपल अकाउंट इसमें आप ओपन नहीं करा सकते। दोस्तों, एक फैमिली के अंदर अगर आपका 2 गर्ल्स चाइल्ड है तो आप यहाँ पे 2 अकाउंट ओपन करा सकते हैं, 2 से ज़्यादा आप यहाँ पे अपना एक फैमिली के अंदर अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। यही 4 दोस्तों मेन यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, अगर आप इसको फिलफिल करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे अकाउंट ओपन करने के लिए। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं कुछ सुकन्या समृद्धि योजना का बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिल जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक फैमिली के अंदर अगर 2 गर्ल है तो आप 2 गर्ल्स चाइल्ड के लिए 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करा सकते, इससे ज़्यादा नहीं करा सकते हो। एक केस में आप करा सकते हो, अगर मान के चलिए दोस्तों अगर आपका कोई गर्ल का जो बर्थ है दोस्तों वो पहले हुआ है, उसके बाद दोस्तों आपका कोई जड़ुआ गर्ल का यहाँ पे बात हुआ है, उस हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे जो अकाउंट है वो यहाँ पे दोस्तों 3rd अकाउंट आप ओपन करा सकते हो सिर्फ इस केस में। अदरवाइज आप एक फैमिली के अंदर 2 ही अकाउंट ओपन करा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, जो सेकेंड बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है वो जैसे जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों टैक्स डिडक्शंस का, आपको यहाँ पे 1.5 लाख तक का सेक्शन 80C के अंडर दोस्तों टैक्स डिडक्शन बेनिफिट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल जाता है विथ मिनिमम डिपॉजिट जो कि 250 से लेके 1000 रुपये के बीच में होते हैं और मैक्सिमम मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 1.5 लाख एक ईयर के अंदर आप डिपॉजिट करा सकते हैं। और इसमें दोस्तों आप एक साल के अंदर जितना बार चाहो उतना बार आप डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें कोई डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं दिया गया है कि आप कितने बार डिपॉजिट कर सकते हैं, आप जितने बार चाहो आप जिस टाइम पे चाहो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक गारंटेड रिटर्न स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया है, इसमें आपको गारंटेड रिटर्न मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें ये जो है दोस्तों ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान है गर्ल्स के लिए, तो इसमें आपको हायर फिक्स्ड रिटर्न मिल जाता है, यानी अभी के टाइम पे दोस्तों जो रेट चल रहा है वो 7.6% चल रहा है और ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है और टाइम टू टाइम डिफरेंट होते रहते हैं।
चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के करंट इंटरेस्ट के बारे में। अभी के टाइम पे दोस्तों अप्रैल से लेके सितंबर तक जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.6% चल रहा है। यानी अगर अभी इस टाइम पे आप अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप अपना गर्ल्स चाइल्ड के लिए ओपन कराओगे तो आपको यहाँ पे 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और दोस्तों पहले जनवरी से लेके मार्च तक जो इंटरेस्ट रेट था वो 8.4 था। उसके बाद आपको पता है दोस्तों क्या हुआ है, उसके बाद इस चक्कर में दोस्तों थोड़ा अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो डाउन हो गया है और ये टाइम टू टाइम दोस्तों डिफरेंट होते रहते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का ओपनिंग प्रोसेस के बारे में। आपको ओपनिंग करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए गर्ल्स चाइल्ड की। जो सेकंड चीज़ है दोस्तों आपको गर्ल्स चाइल्ड का एक फोटोकॉपी चाहिए जो पासपोर्ट साइज का लगेगा, और साथ ही साथ दोस्तों जो लीगल गार्जियन होगा उसका भी एक फोटोकॉपी चाहिए। और उसके साथ दोस्तों एड्रेस की प्रूफ चाहिए, इसके लिए आप आधार कार्ड या आप अपना रेशन कार्ड दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आधार KYC डिटेल्स है आइडेंटी वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड हो गया दोस्तों, यहाँ पे बाकी जो भी चीज़ें आप देना चाहते हो आधार कार्ड हो गया वो सारे चीज़ें आप यहाँ पे अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और KYC सबमिट करने के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो एप्लीकेशन फॉर्म है सुकन्या समृद्धि योजना का आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। इसमें आपको सबसे पहले जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करने के बाद फिल करना होगा अच्छे से, जो भी सारी डिटेल्स होगा उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट होल्डर यानी आपका गर्ल्स की नेम आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद ज्वाइंट होल्डर यानी जो गर्ल्स की जो पेरेंट्स है या जो लीगल गार्जियन है उसका नाम आपको यहाँ पे देना होगा। साथ ही साथ आप स्टार्टिंग में कितना डिपॉजिट करना चाहते हो, इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट आप वहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप चेक के थ्रू डिपॉजिट करते हो तो आपको यहाँ पे चेक नंबर साथ ही साथ जो डेट है वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और दोस्तों आपके जो गर्ल्स की जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पेरेंट का भी एक यहाँ पे प्रूफ चाहिए, जिसके लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी जो गवर्नमेंट इशूज डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ पेरेंट्स का भी एक यहाँ पे दोस्तों परमानेंट अकाउंट एड्रेस के यानी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए भी एक आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके लिए भी आप यहाँ पे वोटर आईडी, आधार कार्ड दे सकते हैं। और साथ ही साथ बाकी जो भी KYC प्रूफ चाहिए होगा वो सारे चीज़ें आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो हिंदी में तो आप हमारा ब्लॉग विजिट कर सकते हैं financejankari.com। आपको यहाँ पे दोस्तों एक डिटेल्स में आर्टिकल मिल जाएगा, सारे चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रखा हूँ हिंदी लैंग्वेज। डिस्क्रिप्शन में आपको फास्ट लिंक मिलेगा, फास्ट लिंक में क्लिक करके एकदम डिटेल्स में दोस्तों आप हिंदी लैंग्वेज में इसको रीड कर सकते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर के थ्रू एक एस्टिमेट करके दिखाता हूँ कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कितना यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा और साथ ही साथ कितना मैच्योरिटी होगा। ये सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर का लिंक भी हमारे ब्लॉग में मिल जाएगा। आप जैसे इस आर्टिकल को विजिट करोगे तो थोड़ा नीचे आओगे दोस्तों, आपको यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर मिलेगा। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप एक साल के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट टाइप करना होगा। उसके बाद आपका गर्ल का जो करंट एज है वो टाइप करना होगा। आप किस ईयर में स्टार्ट करना चाहते हो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो चलिए मैं एग्जांपल पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ईयरली इन्वेस्टमेंट है दोस्तों मैं यहाँ पे 1.5 लाख कर लेता हूँ, जो कि यहाँ का दोस्तों मैक्सिमम लिमिट है। और जो गर्ल एज मैं 1 साल रखता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपका गर्ल्स का जो करंट एज है उस हिसाब से आप दे दीजिएगा। और जो मैक्सिमम एज है दोस्तों वो 10 साल है। अगर आपका गर्ल का एज 10 साल से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये आप चीज़ें ध्यान रखना। अगर आपका गर्ल का एज 10 साल से कम है तो आप इसके लिए जो भी आपका गर्ल का एज है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे एक गर्ल का जो एज है वो 1 ईयर करके रखता हूँ। जो स्टार्ट ईयर है ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2020 यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं 2020 में देख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें चल रहा है। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट टाइप करोगे, ईयरली इन्वेस्टमेंट टाइप करोगे, तो आपको नीचे दिख जाएगा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इंटरेस्ट, मैच्योरिटी ईयर और मैच्योरिटी वैल्यू। टोटल जो आप अगर इसमें दोस्तों 1.5 लाख एक साल के अंदर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 22,50,000 का होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो 41,15,000 यानी 41 लाख के आसपास आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। और जो मैच्योरिटी ईयर है दोस्तों वो 2041 यानी दोस्तों जब आप अपना ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कराओगे उसके 21 साल बाद 21 ईयर्स के बाद ये मैच्योरिटी होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट ईयर 2020 दिया है, मतलब 2020 में हमने स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो मैच्योरिटी है वो 2041 यानी 2041 में होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है दोस्तों वो 21 साल के लिए है।
इसमें दोस्तों जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है इस स्कीम के अंदर मिल जाएगा, देख सकते हैं 43,65,000। यानी दोस्तों हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 22,50,000 का होगा और हमारे यहाँ पे जो मैच्योरिटी वैल्यू है आफ्टर 21 ईयर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 63,65,000 के आसपास हमें इस पे मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। दोस्तों ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है ये आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक अकाउंट में ओपन कर सकते हैं। अगर आप मैं दोस्तों आपको SBI और दोस्तों HDFC सजेस्ट करूंगा, और दोस्तों सबसे अच्छा दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस में भी ओपन करा सकते हैं। दोस्तों अगर आप HDFC बैंक में ओपन कराना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको फिल करके दोस्तों और डॉक्यूमेंट्स KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सबमिट कर दीजिएगा, आपका जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस के लिए दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों एक वेबसाइट है nsiindia.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको आना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और हमारा ब्लॉग में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे आना है के बाद दोस्तों आप इस वेबसाइट को विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं राइट कॉर्नर पे सबसे नीचे आपको दिखेगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आप जैसे ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के अंदर क्लिक करोगे तो सबके नीचे दोस्तों यहाँ पे दो लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहला वाला जो लिंक है ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम का रूल है, अगर आप रूल को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और जो दोस्तों जो दूसरा अकाउंट है, जो दूसरा लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसमें दोस्तों जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम है उसका फॉर्म मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सेकेंड लिंक पे क्लिक करते हैं, और सेकेंड लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारे फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो सबसे पहला जो लिंक है उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, और अगर आप क्लोज भी कराना चाहते हो या ट्रांसफर करना चाहते हो तो अलग अलग आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और फॉर्म मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला वाला जो फॉर्म है दोस्तों एप्लीकेशंस फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, यानी अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो सबसे फास्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम फास्ट लिंक पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको डालना पड़ता है फॉर्म के अंदर। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक PDF आ जाएगा, तो ये PDF को आप डाउनलोड कर लेना। इसको प्रिंट करके आप यहाँ पे अपना जो भी दोस्तों डिटेल्स है उसको आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा सही से। उसके बाद आप दोस्तों इसको पोस्ट ऑफिस में इसको आप जमा करा सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, ठीक है। इसमें दोस्तों बेसिक चीज़ें जो भी आपका नाम है और मैंने जो भी चीज़ें आपको बताया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना होगा, उसके बाद आप इसको सबमिट करना होगा। दोस्तों चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर कितने लोगों ने दोस्तों अब तक अकाउंट बना चुका है और टोटल कितना दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से यहाँ पे कितना सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन हुआ है वो यहाँ पे दिखा रहा है, और साथ ही साथ कितना डिपॉजिट हुआ है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप एकदम नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल मिल जाएगा, कितना टोटल अकाउंट ओपन हुआ है और टोटल दोस्तों कितना डिपॉजिट हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है वो अगर आप एक गर्ल्स के लिए सेविंग्स प्लान ढूंढ रहे हैं, यानी आप अपना गर्ल्स के लिए सेविंग्स करना चाहते हो, तो इससे अच्छा दोस्तों आपको डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट प्लान कोई नहीं मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं पूरे कोशिश करूंगा आपको उसका रिप्लाई करने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप सबके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी के साथ बहुत जल्दी एक न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।